would like to request Shri Anil Thakur kindly honor Dr. Biswarup Roy Chaudhary. Honorable Dr. Sanjay Rai ji and my dear friends, ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं आज आपके सामने हूँ आयुष के इस आयोजन में, आयुष मिनिस्ट्री एंड आयुष्मान भारत न्यास. और डॉक्टर विपिन जिनको मैं पिछले 15 साल से हमारी जान पहचान है, तो उन्होंने आज मुझे 15 मिनट दिए और ये जो 15 मिनट है इसको मैं भरपूर इस्तेमाल करूँगा. और खास तौर पे आज जो मेरा टॉपिक है वो भी इसी पे है, टाइम पे है. इट इज़ कॉल्ड सर्कैडियन रिदम. हमारे बॉडी का भी एक टाइमिंग होती है, व्हिच वी कॉल सर्कैडियन रिदम और आसान भाषा में बॉडी क्लॉक, राइट. तो बॉडी क्लॉक की बात कर रहे हैं और 15 मिनट में बात करेंगे उसकी. और उसके लिए ये पूरा ले आओ, बैग ले आओ, बैग पूरा. आपके लिए काफ़ी कुछ, सबके लिए कुछ ना कुछ मैं लाया हूँ इसी बैग में. इस बैग को मुझे खाली करना अगले 15 मिनट में. दिस मीन्स यू ऑल आर गोइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम इट, राइट. जैसे कोई मैजिशियन आता है अपने जादू का पिटारा लेके, तो इट इज़ हेयर. तो एक मिनट में आपको बता दूँ, 2014-15 में आई इनोवेटेड समथिंग कॉल्ड DIP डाइट. किसी ने सुना या इस्तेमाल किया कभी आपने से, है ना. और 2018 में इस पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डेंसल. और 2020 में उसका रिजल्ट आया, फिर वो गवर्नमेंट की वेबसाइट में है. और डायबिटीज़ टाइप 1 का भी रिवर्सल हुआ विद दिस DIP डाइट. वो जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम में है. और दूसरी मेरी जो इनिशिएटिव था, द 3-स्टेप फ्लू डाइट, जिससे कोविड बोलते हैं आप लोग, मैं से फ्लू बोलता हूँ. और हमारे 60,000 पेशेंट ठीक हुए. आयुष मिनिस्ट्री ने इस पर ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने माना कि इससे ना तो कोई मरता है, ना ही कोई दवाई की जरूरत पड़ती है. एंड ऑल द पीपल दे गॉट क्योर्ड. दैट इज़ बाय आयुष मिनिस्ट्री. तीसरा जो एक अभी हमने 2 साल पहले किया, दैट इज़ जो किडनी के डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, तो उनकी डायलिसिस छूटी जा सकती है, छूट सकता है. तो थ्रू आर ग्रैड सिस्टम, 40 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में अगर उन बिठा दें तो बॉडी से उसी तरह से क्रेटिनाइन बाहर निकलता है जैसे कि आप डायलिसिस मशीन में आप कोशिश करते हैं. इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ हमारे हॉस्पिटल्स में, 20 हॉस्पिटल्स हैं हिम्स के नाम से. और वो ऑब्जर्वेशन स्टडी में ये देखा गया 75% लोगों के डायलिसिस छूट गई. और वो ऑब्जर्वेशन स्टडी अब एक्सेप्टेंस मिला, दैट इज़ इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, विच इज़ वन ऑफ द प्रीमियर पीयर रिव्यूड जर्नल. तो आज इस मौके को लेते हुए मैं एक चौथी बात आप सबके बीच रखने जा रहा हूँ. एंड आई कॉल इट द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, कि अगर कैंसर क्योर करना है तो उसका भी एक तरीका हो सकता है वो बॉडी के टाइमिंग को मैनेज करके. तो उसमें पहले तो आज इस आपके मंच के माध्यम से ये आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उसका एक रिलीज़ मैं चाह रहा हूं जो मंच पे बैठे उनके माध्यम से हो जाए. और फिर हम अगले 10 मिनट में वो मेथड देखेंगे. मैडम एक एक रिलीज़ करना है, निकालो निकालो इसको इसको. हाँ, ये एक रिलीज़ मेरे टेक्निक का है. मैं इसको इसको रिलीज़ करना है. हाँ, खड़ो के अब इसको उस तरफ आ सकते हैं, उस तरफ आइए, उस तरफ. इसको सर ऐसे पकड़ना पड़ेगा और फिर इसको अगर खोलेंगे तो दैट विल बिकम अ रिलीज लाइक दिस. एंड इसको ऐसे पूरा नहीं खोलना, इतना ही खोलना ऐसे. हाँ, यस, आधा यहाँ तक, राइट. तो एक फोटोग्राफ हो जाए एंड दैट बिकम्स अ रिलीज. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद.
थैंक यू, थैंक यू। तो ये है व्हाट वी कॉल एज रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। इसमें चार ही नियम हैं, ये चारों नियम अगर आपको समझ आ जाएगा तो मुझे लगता है कि कैंसर क्योर होगा कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, वो बात आप खुद ब खुद समझ लेंगे। तो इसमें जो पहला नियम को मैं समझाने के लिए आई यूज द मॉडल, इमेजिन कीजिए ये आपके बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन है, चाहे वो प्रोस्टेट है, चाहे वो ब्रेस्ट है, चाहे वो लंग है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो स्टमक है, और आपके ऑर्गन के अंदर कैंसर सेल जो कछुए को टॉर्टोइस को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह का कैंसर सेल रहता है, दो तरह के कैंसर सेल होते हैं जो कि व्हाट इज कॉल्ड एज मेडिकली इंडोलेंट कैंसर सेल्स। इंडोलेंट कैंसर सेल का मतलब ऐसे कैंसर सेल जो आपके बॉडी में रहते तो हैं लेकिन वो नुकसान नहीं करते, कछुए की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं जिंदगी भर। तो अगर वो डिटेक्टेबल अमाउंट में हम सबके बॉडी में 100% हम सबके जो 40 से ऊपर है जिनकी उम्र, अगर इस वक्त अगर मैं बायोप्सी करूँ मेरे थायराइड का या प्रोस्टेट का, तो 100% चांस है, नॉट लेस देन 100%, 100% चांस है उसमें कैंसर सेल मिलेंगे, दैट इज इंडोलेंट कैंसर सेल। ये ब्रेस्ट जिनके वुमेन्स में 40 साल के ऊपर के 40% चांस है इंडोलेंट कैंसर सेल मिलेंगे। दिस मीन्स इट अपीयर्स टू बी कि ये खतरनाक होकर आगे डैमेज करेगा लेकिन वो एक्चुअली इंडोलेंट है, मतलब वो हार्मलेस है। तो ये पहला नियम है, पहला नियम ये, मतलब इसका कंक्लूजन ये कि इस वक्त अगर हम सब अपनी बायोप्सी कराएं तो हम सब के अंदर डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ कैंसर सेल, जिसको मेडिकली बोला जाएगा यू आर फिट फॉर ट्रीटमेंट, कि अच्छा हुआ पहले पकड़ा गया, राइट, आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो ऐसा ही लगेगा। लेकिन जब 10 मिनट्स, गिव मी 10 मिनट्स, नो 10 मिनट्स, मुझे इन्होंने 10 मिनट ही दिया है, 5 मिनट तो निकाल ही दिया मैंने, राइट, उसके बाद आपको सवाल पूछना है, वो नहीं मानना जो मैं बोल रहा हूँ, आपको सवाल पूछना है, लेकिन मैं सवाल लास्ट तक टाइम दूंगा नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। सो दैट इज द रूल नंबर 1। एंड ये सारे के सबूत मैं आपको अभी दे दूंगा जो इनके पास सबूत है, आई विल गिव यू तो ये इसमें सारे एविडेंसेस हैं जो मैं लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ताकि आप अभी ब्रेकेज आ जाएगा। सो फर्स्ट रूल इज दैट वी ऑल आर हैविंग द इंडोलेंट कैंसर सेल डेफिनेटली, और उसके जो एविडेंसेस हैं पूरे दुनिया में जो इसके जितने सारे केस स्टडीज हुए हैं या ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के स्टडीज हुए हैं वो सारा इसमें लिंक मैंने आपको दे दिए, आपको मिल जाएगा। अब आता है रूल नंबर 2, चार ही रूल है, दूसरे रूल की तरफ आते हैं। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कैंसर सेल, दोज हुआर एग्रेसिव काइंड ऑफ, जिसे मैं बोलता हूँ टॉटो रैबिट टाइप कैंसर सेल्स, मतलब ये कि आपके बॉडी के ऑर्गन के अंदर कुछ कैंसर सेल ऐसे भी हो सकते हैं जो एग्रेसिव कैंसर सेल हैं, यानी कि उनकी टेंडेंसी है वो जंप करके दूसरे ऑर्गन में जाना, तीसरे ऑर्गन जाना और कैंसर को फैलाना, और वो आपके बॉडी के लिए डेंजर हो सकता है या होता है और जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो कुल मिला के दो तरह के कैंसर सेल, इनमें से एक टॉर्टोइस जो पक्का ही हम सबके बॉडी में है, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो हमें मृत्यु नहीं देगा, जो हमें तंग नहीं करेगा, और दूसरे तरह का जो किसी किसी के बॉडी में हो सकता है या होता है, जो तंग करेगा, जिसे मैं रैबिट बोलता हूँ, जो जंप करके पूरा कैंसर फैला देता है बॉडी में और फिर बॉडी को नष्ट कर देता है, दैट इज अ रैबिट काइंड। अब रूल नंबर 2 कि हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पेट स्कैन है, चाहे वो बायोप्सी है, वो ये तो बता देता है कि इस इंसान की बॉडी में कैंसर सेल है, लेकिन वो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता आज की तारीख में कि ये जो कैंसर सेल है ये इंडोलेंट वाला है या एग्रेसिव वाला है, ये टॉर्टोइस काइंड इसका बिहेवियर होने वाला है या रैबिट की तरह ये फैलाने वाला है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके ऊपर जो ट्रायल्स हैं, एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बायोप्सी रिपोर्ट होती है, वो पैथोलॉजिस्ट बायोप्सी को देखते हैं, दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ इट, और बायोप्सी के स्लाइड बनते हैं छोटे छोटे, उन स्लाइड में आपके टिश्यू एक तरह से होता है, उसका पिक्चर होता है। तो
जो ऑब्जर्वेशन स्टडी किया पैथोलॉजिस्ट पे, ये मेरे पास स्लाइड है, सारे एक ही स्लाइड है, ये बायोप्सी स्लाइड है, वो पैथोलॉजिस्ट को दे दिया गया और बोला इसको देख के बताओ ये कैंसर है, एबनॉर्मल सेल है या नॉर्मल सेल है। ये आप भी आपस में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इधर भी, ये सारे एक ही हैं। तो इसमें 33% पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये नॉर्मल सेल है, कोई दिक्कत नहीं। 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये एबनॉर्मल सेल है। 19% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये कैंसर है। तो यानी कि अगर 100 लोग हैं, 100 पीपल, उनमें से सेम चीज को 19 लोगों को बोला जाएगा ये कैंसर है, ये अच्छा खासा कैंसर है जो आपको मार सकता है। तो इस पे जिस ट्रायल की मैं बात कर रहा हूं, वो ट्रायल का पेपर का है मेरा, ये यहीं पे है, इसको चाहे तो आप अपने लंच टाइम में पढ़ सकते हैं, मैं यहीं छोड़ के जाऊंगा। तो इस पे ये देखा गया कि जब भी एक ही तरह का बायोप्सी रिपोर्ट कई सारे पैथोलॉजिस्ट को दिया जाता है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो अक्सर और हमेशा ही कितने परसेंट, कम से कम 52%, यानी कि कॉइन को टॉस करके बोल देंगे कैंसर है कि नहीं, तो 50% चांस है, तब आप करेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे वो 52% है, 50 से भी ज़्यादा गलत होने के चांसेस, 52%, राइट। तो मतलब ये कि बायोप्सी रिपोर्ट के बाद जो भी लिख के आएगा, ज़रूरी नहीं कि वो आपका भगवान का लिखित कुछ आकाशवाणी, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ रूल नंबर 2 कि आज की तारीख में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये क्लियरली पता चले कि आपका जो बॉडी में कैंसर अगर डिटेक्ट हुआ भी है वो कौन सा वाला है, वो खरगोश वाला है या वो टॉर्टस वाला है। अब आता है रूल नंबर 3, ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है। रूल नंबर 3 ये है कि अगर आपके ऊपर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी कर दिया जाए तो आपके बॉडी में जो कछुआ वाला जो कैंसर है वो अक्सर खरगोश में बदल जाता है या जा सकता है। आपके बॉडी के अंदर कीमोथेरेपी या रेडिएशन या सर्जरी या इवन बायोप्सी कर दें तो जो कछुआ था वो खरगोश बन जाता है, जा सकता है, जाता है। तो ये इसके जो एविडेंसेस हैं पूरे दुनिया भर के, वो कलेक्ट करके मैंने इस पेज में डाल दिया है, वो आप अभी जो लिंक है वो लिंक भी अभी बिफोर आई लीव आप क्रॉस चेक कर सकते हैं राइट नाउ। मतलब ये वो जो 19% लोग हैं जिनको बोल दिया गया था ये साइड देख के ये तो कैंसर है, तो वो वाले इंसान तो क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे, रेडिएशन कराएंगे या सर्जरी कराएंगे, ये तीन ही चीज़ है। और इससे अगर वो कछुआ भी रहता, जो भी कछुआ तो है हमारे बॉडी में, तो भी वो फुल ब्लोन कैंसर बन ही जाएगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द थर्ड रूल कि जैसे ही हम रेडिएशन करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं या सर्जरी करते हैं या बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी मतलब सिर्फ डायग्नोस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, तो उससे भी जो एक कछुआ जो हमारे बॉडी में बैठा हुआ है वो रैबिट में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाता है। इसके एम्पल एविडेंस है, वो एविडेंस के लिंक आपको अभी मिल जाएंगे। अब आखिरी रूल बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो था कि कैंसर है क्या, तो आखिरी रूल, अगर आपके बॉडी में खरगोश वाला कैंसर है, मतलब जो डेंजरस है, जो आपको हानि कर रहा है, जैसे ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है, जिससे दर्द ऑलरेडी हो रहा है, जो बॉडी में फैल रहा है, जो कमजोरी ला रहा है, हीमोग्लोबिन को भी कम करते जा रहा है, वीकनेस है आपको, फटीग एक्सेट्रा है, यानी कि ये खरगोश है ऑलरेडी आपके बॉडी में फैल के आपको नुकसान कर रहा है, तो ऐसे में ऐसे कैंसर सेल को अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, थोड़ी देर बाद अभी आप कुछ मत कीजिए। So, ऐसे में अगर हम उस पेशेंट का जिसके बॉडी में खरगोश है, यानी कि एग्रेसिव कैंसर सेल है, अगर उस पेशेंट का अगर हम बॉडी क्लॉक को रीसेट कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो उसका खरगोश कछुए में चेंज हो सकता है। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस की बात कर रहा हूँ, 2017, मेडिकल भाषा में बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। हमारे बॉडी की एक सर्कैडियन रिदम है, एक बॉडी क्लॉक है, उसे अगर हम ठीक कर दें तो बीमारियां ठीक होने लगती हैं।
फिर चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ब्लड शुगर हो, या फॉर दैट मैटर वो एग्रेसिव कैंसर से ही होना हो। तो ये है चौथा रूल। अब चौथे रूल से जिसमें हमारा सारा फोकस और इंटरेस्ट है, जिससे ये पता चलता है कि पॉसिबिलिटी है कि हम फैलने वाले कैंसर को रोक सकते हैं, राइट। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, करना क्या है, कैसे करना है। मान लो मेरे पास बीज है, ये 1889 में स्टीवन पिगट एक सर्जन थे, उन्होंने एक थ्योरी निकाली जो आज भी वो वैलिड है थ्योरी। वो थ्योरी है सीड एंड सॉयल थ्योरी। मेरे पास ये सॉयल है, सीड है, ये बीज है, और मेरे पास ये सॉयल भी है, मिट्टी भी है, खुल उसको, मिट्टी भी है। बीज को बोलते हैं कैंसर, लेकिन कैंसर फैलेगा कि नहीं फैलेगा वो सिर्फ बीज उगेगा कि नहीं उगेगा वो सिर्फ बीज पे निर्भर नहीं करता, वो किस पे निर्भर करेगा, मिट्टी पे भी निर्भर करेगा। तो कैंसर अपने आप में, अगर वो एग्रेसिव वाला भी है, वो फैलने वाला है कि नहीं फैलने वाला है वो निर्भर करता है कि उसकी सराउंडिंग क्या है। जैसे ये बीज है और ये उपजाऊ मिट्टी है, इसमें अगर ये बीज डालूंगा, ये कैंसर डालूंगा तो ये कैंसर ग्रो करेगा। लेकिन यही वाली बीज है, ये बीज मैं डालता हूं जो उपजाऊ नहीं है सॉइल, राइट, इसमें अगर ये बीज डालूंगा तो ये बीज कितना भी कैंसरस क्यों ना हो, कितना भी इसके ये पोटेंट क्यों ना हो, ये नहीं उगेगा। तो थ्योरी ये है कि कैंसर सेल चाहे कितना भी पोटेंट क्यों ना हो, उसको उगाने के लिए, उसको अगर ग्रो कराने के लिए उसके जो एनवायरमेंट है, सॉइल, सॉइल एंड सीड थ्योरी बोलते हैं इसको, वो भी पोटेंट होना चाहिए, सॉइल का रोल है। यानी कि अगर कैंसर सेल को स्विच ऑफ करना है तो हम उसके एनवायरमेंट को ही अकॉर्डिंगली बदल दें। ये एनवायरमेंट कैसे बदलना है, हियर कम्स रूल नंबर 4, दैट इज थ्रू करेक्टिंग द सर्कैडियन क्लॉक, बॉडी क्लॉक को चेंज करके। तो अब क्विकली अगले 5 मिनट में, माय कंक्लूडिंग 5 मिनट्स, मैं ये बताऊंगा कि बॉडी क्लॉक को कैसे बदल सकते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में कैसे बदलते हैं। हमारे 20 हॉस्पिटल हैं पूरे देश में इस वक्त, हिम्स हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, हमारे हॉस्पिटल में भी कैंसर पेशेंट आते हैं, करीब 20% ऑफ पेशेंट आर कैंसर पेशेंट्स। तो हम उनको कीमोथेरेपी से मना करते हैं, हम उनको रेडिएशन से मना करते हैं, अधिकतर तो वो आते हैं जो ऑलरेडी ये करा चुके होते हैं, लेकिन आगे ना कराएं हम यही बोलते हैं, इस मंथ से भी ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उस हम जब रेडिएशन करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, ऑल एविडेंसेस जो मैं इसमें डाल दिया है लिंक में, तो वो यही कहते हैं कि वो कैंसर को फैलाने का काम करता है, मतलब वो जो सॉयल है, सॉयल को फर्टाइल बनाया जाता है, ग्राउंड बनाया जाता है ताकि कैंसर फैले। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनके सर्कैडियन क्लॉक को ठीक करते हैं। अब सर्कैडियन क्लॉक को कैसे ठीक करेंगे, सर्कैडियन क्लॉक को ठीक करने के 7 स्टेप्स हैं, उनमें से 2-3 स्टेप या 4 स्टेप अभी आप सीख सकते हैं 1-2 मिनट में। पहला स्टेप जो कि बहुत ही सिंपल है, और वो स्टेप है 0 वोल्टेज। आपकी बॉडी जब 0 वोल्टेज पे होती है, उस वक्त आपकी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होती है, और उस वक्त आपके बॉडी का जो सॉयल है, जो कैंसर सेल को घेरे हुए है, वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती उस कैंसर सेल के लिए, जब भी आपकी बॉडी 0 वोल्टेज पे होती है। आपकी बॉडी इस वक्त कितने वोल्टेज में, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वोल्ट मीटर भी साथ में लाया हूँ, वो एक्स्ट्रा टाइम पे हम देख सकते हैं, राइट। तो इस वक्त इस वोल्ट मीटर से मैं अगर चेक करूँ आपका या मेरा, तो वी हैव सर्टन वोल्टेज इन द बॉडी। जब भी बॉडी में कुछ वोल्टेज होगी तो वो कैंसर सेल के लिए फर्टाइल ग्राउंड होगा, राइट। तो अगर तो कैंसर सेल एग्रेसिव वाला है तो वो ग्रो करेगा। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारा पहला स्टेप कि अपने बॉडी के वोल्टेज को 0 कर देना है। अच्छा, बॉडी के वोल्टेज को 0 कैसे करना है, ये मैं थोड़ा, हम अपने हॉस्पिटल में कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, ये ECG तार है जो आपने देखा, ऐसा ये कोई अनोखी चीज नहीं है। अब इस तार का मैंने एक छोर लिया और लेके मैंने अपने हाथ में लगा दी, पेशेंट के हाथ में या पैर में, बॉडी में लगा दिया। दूसरा छोर इसका लिया और लेके, ये बहुत लंबा होगा, और लेके ये कमरे से बाहर जाएगा, यानी कि अबाउट 5 मीटर, और जाके जमीन में ये कॉपर के साथ, कॉपर वायर है, 1 फिट नीचे चला गया। तो इसे कहते हैं ग्राउंडिंग, अर्थिंग। अब ऐसे स्थिति में अगर मैं वोल्ट मीटर से मेरा अगर मैं वोल्टेज चेक करूंगा तो दैट बिकम 0 वोल्ट। बोलने का मतलब, जो आपको पता ही है कि जब आप नंगे पैर मिट्टी में, घास में चलते हैं, वो टाइम आपकी बॉडी की वोल्टेज 0 होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जब भी आप नंगे पैर रहेंगे मिट्टी में, घास में, या पेड़ को पकड़ेंगे,
तब भी वोल्टेज जीरो होगा विच कैन बी प्रूव इन नाउ. आप जिसको प्रूव करना है तो बाहर कर भी सकते हैं थोड़ा, इसलिए लाया हूँ दिखाने के लिए आपको, वो देखेंगे भी. तो जीरो वोल्टेज, लेकिन जब चलते हैं तो हम जूते पहन के चलते हैं, राइट. जैसे मैंने अपने पेशेंट के लिए जो जूते बनाए मैं वही पहन के आया हूँ, मैं यही पहनता हूँ. अगर आप देखें तो ये जो मैंने पहना हुआ है स्पेशली, तो दिस इज, बाद में आप देखिएगा अगर देख पा रहे हैं तो, इसके नीचे ये कॉपर का एक रिबेट लगा हुआ है और ये चारों तरफ एक कॉपर प्लेटेड, टिन प्लेटेड कॉपर का तार जिससे मैंने पैरों के चारों तरफ है एज ए फीता. तो जब मैं घास में चलूंगा तो सीधा वो कॉपर तार के थ्रू आई एम कनेक्टेड विद द ग्रास, और उस वक्त बिना चप्पल उतारे भी अगर मैं वोल्ट मीटर से चेक करूंगा तो माई वोल्टेज इज जीरो वोल्ट, राइट. तो जब हम सोते हैं, जो हमारे पेशेंट सोते हैं हमारे हॉस्पिटल में आइए, देन वी यूज दिस टेक्नोलॉजी एंड वी सी पेशेंट का बॉडी वोल्टेज जीरो है कि नहीं. और जैसे ही बॉडी वोल्टेज जीरो होता है तो सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस दिन पेशेंट को नींद बड़ी अच्छी आती है, उनका डिप्रेशन कम होने लगता है, उनका पेन कम होने लगता है, उनका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है इन द फर्स्ट नाइट इटसेल्फ. पहली रात की बात कर रहा हूँ. तो पहला रूल रहा पुट योर बॉडी एट जीरो वोल्ट. जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ही आप लैंड करते हैं किसी भी फॉरेन लैंड पे, तो जैसे ही आप मोबाइल को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त का टाइम पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है ना, किसी और देश का. सिमिलरली जैसे ही आप कहीं और लैंड करते हैं किसी और देश में और नंगे पैर जैसे ही वहां घास में पैर रखेंगे तो जेटलैग नहीं होगा. उस वक्त का टाइम जोन, उस वक्त का जो जियो मैग्नेटिक, वो आपका बॉडी पकड़ लेगा. लेकिन आप यहाँ से यूएस ट्रेवल करके जाते हैं, जो लोग जाते हैं लेकिन जूते कभी नहीं उतारते, इसलिए इसे जेट लैग होता है. दिन में सोना, रात को नींद नहीं आना, क्योंकि आपका जो बॉडी क्लॉक है और उस जोन का जो बॉडी क्लॉक है वो इनसिंक नहीं है. अगर मोबाइल आपका फ्लाइट मोड पे रहा तो टाइम वही दिखाएगा जो भारत का टाइम है जहां से आप आए हैं. इसीलिए आपको एक बार मोबाइल को एक बार तो इनसिंक करना पड़ेगा वहां के नेटवर्क से. तो ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी को इनसिंक करना पड़ता है, जो कि अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी बार कब आप नंगे पैर चले होंगे तो सोचना पड़ जाएगा, राइट. तो ये दैट इज अबाउट द फर्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग, जो ये वो आसान है इसलिए आप कर पाएंगे. एक दो मिनट ही मेरे पास. दैट इज, हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं इंक्लूडिंग मी एंड यू, कि दिन में आपको करीब 10,000 लक्स ऑफ लाइट लेना है फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए 10,000 लक्स ऑफ लाइट. ये जो लाइट का एक्सपोजर है आपका इस वक्त, ये दिन है ना ये, लेकिन अभी जो लाइट का एक्सपोजर है, पूरे दिन तो ऑफिस में रहते हैं इसी तरह का एनवायरमेंट रहते हैं, अगर मुझे देखना हो कि इस वक्त अभी जो लाइट एक्सपोजर है ये कितना है आपका या मेरा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास ऐप है, ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऐप है. तो लाइट मीटर बोल सकते हैं, लक्स मीटर बोल सकते हैं. अभी जो लाइट है यहाँ पे दैट इज 300 लक्स, 300 लक्स, जबकि सर्कैडियन क्लॉक को ठीक करने के लिए दिन में कितना लक्स लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू 10,000 लक्स. अब 10,000 लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप जैसे ही बाहर जाएंगे 10,000 तो क्या, बाहर का अभी ये ऐप से देखेंगे तो 1,00,000 लक्स अभी मिल जाएगा बाहर जाते ही, 1,00,000. कहां तो ये 300 है, कहां बाहर जाते 1,00,000 है, मिनिमम 10,000. सो जैसे ही हम अपने बॉडी का लाइट एक्सपोजर दिन में 10,000 लक्स से ज्यादा कर देते हैं तो हमारा बॉडी क्लॉक ठीक होने लगता है. बॉडी क्लॉक जैसे ही ठीक होगा, वो जो सॉयल है वो सॉयल कैंसर सेल के लिए फर्टिलिटी उसकी कम होने लगती है. और वो कैंसर सेल कितना भी कैंसरस क्यों ना हो, आपको पता है ये बीज कितना भी ज्यादा पोटेंट क्यों ना हो, अगर सॉयल ठीक नहीं होगा तो वो उग नहीं सकता, उगेगा नहीं वो. रात को जब सूरज ढल जाए उस वक्त जो लक्स ऑफ लाइट आपके बॉडी में आनी चाहिए दैट इज 50 लक्स, नॉट मोर देन दैट, कैंडल लाइट. आज से 2.5 लाख साल पहले जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब लाइट के लिए ह्यूमन बॉडी फॉर दैट मैटर एनी एनिमल वर डिपेंडेंट ओनली ऑन सन. तो वो एक रिदम जो बना हुआ है वो रिदम अब हमने बिगाड़ दिया, क्योंकि रात को ही हम फेसबुक देखते हैं, राइट, मैक्सिमम लाइट एक्सपोजर, और दिन में हम ऐसे ग्लूमी एनवायरमेंट में काम करते हैं. तो सर्कैडियन क्लॉक जैसे ही बिगड़ा दिस बिकम्स फर्टाइल, राइट. सो एंड द लास्ट व्हाट वी डू इन आवर हॉस्पिटल दैट इज द DIT डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो हम ऑलरेडी बोलते आए हैं. तो खैर, अब आप आज के बाद क्या करेंगे, जो मैंने बताया उसकी आगे की कड़ी के लिए वो किताब की कॉपी है आप सबके लिए. सर्कैडियन क्लॉक को कैसे ठीक करना है, दिस बुक, ये एक कॉपी आपको मिल जाएगा, और साथ में ये पूरा टॉर्टोइज रैबिट मॉडल ऑफ कैंसर, ये भी आपके लिए एक एक कॉपी है. इसमें टू एक्सेस द एविडेंसेस एंड द रिसर्च पेपर जो मैंने अभी बताया,
तो एक लिंक है, वो लिंक है bishrup.com/rtm रैबिट टॉर्टोइस मॉडल RTM। ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो मिल ही जाएगा आपको। तो उसमें जाके चाहे तो अभी भी आप देखेंगे तो जितनी सारी बातें मैंने बताई वो सारे एविडेंस के फॉर्म में वहां दिखेंगे, राइट। तो फिर और जितनी बातें मैंने बताई और बहुत सारी और चीजें, बट दोज आर नॉट पॉसिबल हियर। तो खैर मैं उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा बहुत आप अपने लाइफ में, जरूरी नहीं कि कैंसर हो जाए तभी अप्लाई करना है सब। जैसे ही हम अपना बॉडी क्लॉक को ठीक करने लगते हैं, जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, नींद ना आना है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वेट मैनेजमेंट है, सारी चीज़ अपने अपने जगह पे, इट फॉल्स राइट इन प्लेस, राइट। तो हम अपने हॉस्पिटल में कैसे करते हैं, आप अपने घर में कैसे कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट के लिए कैसे होगा। एक आखिरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ भूल के अगर आप सिर्फ एक बात याद रखें कि शाम के 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, राइट। वी नीड नॉट टू ईट आफ्टर, शाम के 6 बजे के बाद वी नीड नॉट टू ईट एनीथिंग। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि उससे पहले क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो भी आप खा रहे हैं उसको मैं छेड़ नहीं रहा। जो भी आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, नहीं कर, व्हाटएवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। मैं सिर्फ एक रूल बता रहा हूं, अगर आप ये डिसाइड कर लें कि शाम के 6 बजे से पहले ही मैं डिनर फिनिश कर लूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा, अगले दिन सुबह ही खाना है, यू कैन डू इट, सनसेट के साथ ही खाना खत्म। तो इस एक रूल से, एक ही रूल से 24 घंटे में, जिनका ब्लड शुगर का पेशेंट है 50 यूनिट, तो 24 घंटे में कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर का 3 दिन के अंदर उनको दवाई छोड़नी मजबूरी हो जाती है। मोटे लोग विद इन 1 मंथ अबाउट 10% वेट घटेगा ही घटेगा। जिनको नींद नहीं आती विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स, नाउ दे विल बी मोर कंफर्टेबल स्लीपिंग। जो डिप्रेशन के पेशेंट है, डिप्रेशन के पेशेंट जो है उनका डिप्रेशन कम होने लगता है। जो डिप्रेशन के पेशेंट है, डिप्रेशन दवाइयां खाते हैं, अगर वो धूप में नंगे पैर जैसे ही रखते हैं फॉर 30 मिनट, दैट इज इक्वल टू द मेडिसिन, वही वाला उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं से कुछ खरीद के नहीं ला सकते, ये तो आपको अपनाना है। टाइम इज मेडिसिन, व्हाट आई कॉल इज टाइम इज मेडिसिन। द फर्स्ट थिंग आई गिव सर्कैडियन क्लॉक को ठीक करने के लिए, सिर्फ एक ही रूल आप दिमाग में रखिए कि मैं 6 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, एंड दैट कैन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। उससे पहले खाइए जो भी खाना है, सिर्फ ये रूल कीजिए। और जो लोग डायबिटीज या बीपी की गोली लेते हैं उनके लिए वार्निंग ये है कि अपना बीपी और डायबिटीज और ब्लड शुगर जरूर चेक करें, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड दैट विद इन 24 आवर्स इस सर्कैडियन क्लॉक जैसे ही करेक्ट होगा आपका ब्लड शुगर प्रेशर गिरेगा, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेपर डाउन दोस ड्रग्स, इजंट इट। तो मतलब रास्ता बड़ा सिंपल है, अपने बॉडी क्लॉक को सेट करो, बीमारियां अपने आप ही सेट हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।